What's up guys, welcome to my channel, Salman is here. Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग सब? तो यार आज मैं आया हूँ, आज मैं थोड़ा पीसफुल माहौल में हूँ भाई, पीसफुल मूड में हूँ, ठीक है। तो आज मैं आया हूँ एक बड़ी खूबसूरत से गार्डन में, तो इसके बारे में अंदर चल के मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिवील करूँगा और बड़ा ही पीसफुल कंटेंट बनने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। आखिर तक जो है आप लोग इसको वॉच करना, ठीक है। बड़ी खूबसूरत चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, तो साथ में रहो, ज़रा अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं, तो मिल के इन्जॉय करते हैं, आइए। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी एक नई स्टोरी इस खूबसूरत माहौल के साथ। इस साइड पे ट्रेल है, यहाँ बाथरूम बना हुआ है, घुसते ही वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है, ठीक है। बहुत बड़ा गार्डन है ये, तो अंदर चलते हैं। इसके टिकट प्राइस सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा भाई। तो अभी ज़रा अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह स्कैन कराते हैं और मिलते हैं फिर। ये जो बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह का माहौल है। Let me ask this guys. You know which way I can go to scan my ticket? What's your name? My name is Jaime. Jaime. And Paul is the boss inside over Oh, there. Paul and the boss inside, yeah, right? Yeah. Mm-hmm. So you open every day? Yes, except Tuesday. Except Tuesday. Yeah, the park closed on Tuesdays. Park closed on Tuesday. Perfect. What time to what time you open? We open at 10 o'clock to 4:30. 10 o'clock to 4:30 every day. Right. What do you sell here? We have sandwiches, you know, turkey, chicken, roast beef. Okay. As well as bags. Okay. You got juice, soda, yes. Coffee, everything? Coffee. Oh, so you got everything here? Yes. Okay, perfect. Lobster, man. They got lobster going on. $6. How you doing, sir? How are you? Good, how are you? Very good. You're the owner? Yes. What's your name? Paul. Paul. Nice to meet you, Paul. So guys, look at this store, man. They got everything here. So when you park in the parking lot, I'll show you the parking lot already. Come and check it out, man. They got cookies going on, croissant and all that. They got all types of coffee, I'm sure. Yeah. They got all the good stuff here, man. So these are all the coffees. They got juice, soda, water, everything. Beautiful store, Paul. Thank you. Thank you. So ye hai, dekhiye inka sara menu. Pause karke aap log isko padhein. खूबसूरत लोकेशन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ से सीधा ही चलते हैं यार। उन्होंने अंकल ने बोला घूम के जाओ, इतना घूम के कहाँ क्यों जाऊँ जब इतनी बड़ी ग्रास बनी हुई है, इतनी खूबसूरत सी। और ये सामने जो है ये नज़र आ रहा है, बड़ी खूबसूरत सी एंटिक, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अंदर म्यूज़ियम खुला हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, फैमिली को लेके आएँ यहाँ पर, इसे इंजॉय करें। और यहाँ पर एक गार्डन बनाया है जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, थोड़ी सी वीडियोज़ देखी हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। और मुझे आप लोगों को पहले ही पता है, ट्रीज़ वगैरह और फ्लावर्स से मुझे बड़ा प्यार है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना उनको, तो वो सब मैं कैप्चर करने आया हूँ यहाँ ट्रीज़। और यहाँ पर सुना है मैंने बहुत सारे रोज़मेरी लगे हुए। मैं कितने टाइम से आप लोग रोज़मेरी करता रहता हूँ, अभी तक किसी रोज़ ने मेरी नहीं की मेरे साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे रोज़मेरी के प्लांट्स फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो आई एम गोना चेक इट आउट, देखते हैं किस टाइप के रोज़मेरी हैं भाई, ठीक है। सर पुराने एंटिक चीज़ें हैं सर यहाँ पर, तो ये सारा जो पुराना फर्नीचर है एंटिक लुक, ये सब 1906 में डिज़ाइन हुआ था। तो उस
your flowers, fresh cut flowers in every room in the tradition of the Phippses as they lived in the home. इसमें मैंने लास्ट टाइम चाय पी थी भाई. दिस इज कॉल्ड रेड रूम. Okay. I'm blown away from this place. Oh yeah, this place is so beautiful. Beautiful. How old is this place? It was 1903. They started construction and they moved in 1906. Lived in the house for like 50 years. Okay. Put it out to a foundation which has been open to the public like 65. Wow, they kept it really nice. Yeah. Well, that's part of what the goal is and the mission is to for the home to be in the tradition that it was when the Phippses actually occupied it between 1906 and 1958. What's the name of the original owner? Well, the owner now is the foundation. The foundation. Yeah. But it's still, the Phippses are heavily involved in that. There's always a Phipps on the board, so they're very much connected. Okay. तो ये जो सारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये इनका जो ओनर थे उनका, ही वॉज अ बिजनेसमैन, फार्मर बिजनेसमैन थे, उसका नाम था जॉन शेफर, जो इन्होंने 1959 में इसको कन्वर्ट कर दिया था म्यूज़ियम पे. तो 1959 पे इस हाउस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था. तो आगे आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन की देता हूँ. तो भाई ये पूरी बिल्डिंग में, सुन लिया आप लोगों ने, 44 रूम है. जी हाँ, 44 रूम, बाथरूम और 22 बाथरूम है. तो ये पहले मेरा बेडरूम हुआ करता था भाई 1906 में. यार मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है भाई. अभी ये वाला सोफा जो है ना, ये चेयर ये हिल रही थी भाई, ऐसे ऐसे हो रही थी, ऐसे ऐसे भाई. इससे ज़्यादा ख़तरनाक बाथरूम मैंने नहीं देखा भाई. आई एम सॉरी, मैं बाथरूम कभी बताता नहीं हूँ, पर बताने का दिल कर रहा है भाई. यहाँ मैं पिप्पी करने आया था, वो तो वहीं रुक गई भाई. मैं खुल जा, अभी दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया. मैं खुल, ओ भाई क्या है ये. अभी जो आंटी दिखाऊंगा, ये भी 1906 की हैं. ये वाली आंटी 1906. सो ये थर्ड फ्लोर है और ये बंद किया हुआ भाई, पता नहीं क्यों बंद किया है. ये है रेड रूम. तो जिसकी दिली ख्वाहिश है भाई, ये खूबसूरत रेड बेड पे आके लेट, मुझे बता दीजिएगा. जिसकी भी दिल की तमन्ना है इस रूम में आके सोने की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा, अरेंज करवा दूँगा भाई मैं. क्या बात है भाई, अब भागो भाई यहाँ से. भाई ये क्या है बे, भाई लोगों, ये जो डॉल है ये रात में चलता है या चलती है और इस बेड पे आके लेटती है. ये चेयर हिलना शुरू होती है और ये लाइटें चल बुझ चल बुझ चल पूछ होती है. ये आंटी पिक्चर से निकल के बाहर आ जाती हैं. जिसको वन नाइट स्टे करना है मुझसे रब्ता कर लिएगा भाई. That was the last surviving
child, last surviving, you know, child on the line of John and Margarita Phipps, and she died in 2008. But before that, she was still always very active. One of the things that she would say is this was a room that was one of her favorite rooms. This is Peggy Phipps, the daughter, the only daughter. She said that this is the room she remembers her father, John Phipps, in the most. She said he would be in the chair, talking on the telephone nonstop with the firm. The firm was the business where they managed the money initially. It became eventually Bessemer Trust, but this is where they managed it. She said her father would be on the phone talking to the firm with a paper in his hand, racehorsing paper. Phipps's were really big and connected in racehorsing, and I actually didn't realize they were still in it. A few years back, I just happened to hear Kentucky Derby was going on. Really interesting. So the Phipps's again purchased the land in 1901. They started construction around 1903. That's when the Phipps's were married, in 1903, John and Margarita Phipps. And they moved. यार आप लोग ये रूम देखकर डरना नहीं भाई, पर इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स डिफरेंट. मैं सोच रहा हूँ एक दो रात के लिए यहीं रुक जाऊँ. चलो भाई निकले यहाँ से, चार पाँच महीने की वीडियो तो बना ली है मैंने. यार अब स्ट्रक्चर देखिए आप, वाकई में इसकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी. कॉम्प्लीमेंट्री पानी भी रखा है, एक तो मैंने जेब में डाल लिए बोतल. तो भाई लोग 1906 में जब मैं बाहर निकलता था अपने टूर से, तो कुछ ऐसा माहौल था. तो यार आप लोग डरे तो नहीं हो भाई, कोई घबराया तो नहीं है कोई, डरना नहीं है ठीक है. जिसका भी दिल करे, जिसका भी मूड हो इसको पूरा रेंट आउट करने के लिए, या एक आध रूम में रहने की जिसकी दिली ख्वाहिश हो, आपने मुझे कमेंट छोड़ देना है, अरेंज करवा दूंगा मैं. अपने खर्चे पे फिक्र नहीं करो, आप रहने वाले तो बनो, पहले एक दफ़ा माइंड बना लो इधर रहने के लिए, एक रात के लिए सिर्फ ठीक है, तो सब अरेंज हो जाएगा. होपफुली ये व्लॉग आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा भाई, मज़ा आएगा ठीक. डिफरेंट है यार, बहुत सारे मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्रिकेट के बारे में, मैंने थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ थोड़ी सी नया फ्लेवर डालते हैं और आप लोगों के सामने पेश करते हैं. काफ़ी टाइम से मुझे ये जगह देखने था, पर विंटर की वजह से आ नहीं सका, तो अब मैं आया हूँ और आपको मैंने दिखा दिया पूरे 44 रूम्स. तो भाई मैं नहीं देख सकता हूँ, उसके सारे रूम्स एक ही जैसे ड्राउन हैं. तो चार पाँच रूम देख लिए मैंने, काफ़ी है भाई ठीक है. तो यहाँ का इन्होंने मुझसे चार्ज किया $15 ठीक है. और ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो मेरा कोई जो क्या बोलूँ मैं, टिकट स्कैन किया है ना कुछ किया है, पता नहीं क्यों मैंने ऑनलाइन पे जाकर टिकट खरीद लिया मैंने. या तो ऐसे ही अंदर से आप अंदर से जाके घूम सकते हैं, कहीं स्कैन नहीं हुआ है भाई ठीक है. तो मैं क्या बोलूँ अब.
25 से ज़्यादा ड्रोना, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्क का मैंने नहीं देखा भाई। देख लें आप लोग, चलते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या होता है। बेंच बुला रही थी लास्ट टाइम, इस पे कोई बैठा होगा 1906 में। तो भाई लोग बैठ चुका हूँ भाई इस बेंच पे, बेंच का हाल देखें आप, पता नहीं कौन कौन बैठा होगा रात में। वो जॉन अंकल बैठे होंगे, कि वो मार्लिन आंटी है वो बैठी होंगी, या तो वो छोटे से क्रिप में, क्रिप जो बना हुआ था, झूला जिसको बोलते हैं हिंदी या उर्दू में, उसमें जो डॉल रखी हुई थी बेबी नुमा टाइप की, वो सब यहीं आते हैं, इसी चेयर पर बैठते हैं भाई। ठीक है, तो किसी का भी मूड हो भाई तो मुझे बता देना। ठीक है, देखो इस व्लॉग में आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, थंबनेल नहीं दिया, तो फिर जो है ना मैं इन लोगों से आपकी शिकायत लगाऊंगा। अब यहाँ मेरा आना जाना लगा रहेगा, और उसके साथ साथ जो है फिर सोच लो फिर आप। दूसरा भाई, वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री पानी पड़ी थी ना, दो बोतलें, रूम है 44, बाथरूम है 22, पानी की बोतलें रखी थी कॉम्प्लीमेंट्री दो, तो मेक नो सेंस। अब वो बॉटल भी मुझे लगता है 1906 से तो नहीं रखी हुई थी, जिसकी एक बॉटल तो मैंने उठा ली। टेस्ट भी वही आ रहा है 1906 वाला। चलते हैं इस दीवार के पिछवाड़े जो है, इस दीवार के उस तरफ जो है कुछ फ्लावर है, फ्लावर्स हैं, तो उस फ्लावर को हम देखते हैं जल के। ठीक है, साथ में रहो, मैं भी देखता हूँ आप भी देखो। अब थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो गई है भाई, तो अब एंट्री होगी रियल गार्डन में। पॉज करके देख लेना आप, ये पूरे इनके मेंशन का स्ट्रक्चर पिक्चर बनाई हुई इन्होंने। ये ट्रेल भाई, हंसने का नहीं, नीचे आ रहा हूँ, ये ट्रेल, चलो चलो। हाँ, क्या लुक है यार, अब आया ना मज़ा, शेट में आ गया भाई, क्या बात है। यहाँ भी रास्ता है यार, ईमानदारी से बताना, अब तक जो मैंने आपको बनाया है, नहीं बनाया मतलब वो नहीं, बेवकूफ़ बनाया है, अब तक जो ये वीडियो बनाई है कैसी लग रही है भाई, एंजॉय कर रहे हो ये जगह देख के? ठीक है, ये बड़ी प्रीमियम जगह है भाई। ठीक है, जो सिर्फ $15 चार्ज किए हैं मेरे, ठीक है, वो नहीं भी देता फिर भी चलता, पर ये जगह बड़ी यूनिक है भाई। ठीक है, जो अंदर आपको माहौल दिखाया मैंने, खूबसूरत सा हसीन हॉन्टेड, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ, अंदर चल के रहने का है तो बताने का। ठीक है यार, मज़ा आया तो यार आप सब्सक्राइब करना शुरू करो यार, सपोर्ट करो, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, एंजॉय करो यार, एंजॉय करो, शेयर ज़रूर किया करो मेरी वीडियो, थम्स अप दे दिया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट ज़रा ज़्यादा देना शुरू करिए भाई आप लोग, मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा टाइम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा बिजी टाइम है, पर वो टाइम में निकाल के आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो पेश करता हूँ, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ी मोहब्बत दिखाइए प्लीज़, नहीं तो फिर मैं नाराज़ हो गया तो फिर क्या होगा। तो यार ये पार्क जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ये सामने आप स्ट्रक्चर देख के समझ ही रहे होगे। ठीक है, ये तो सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ 44 बेडरूम्स हैं, 22 बाथरूम्स हैं, जिस बाथरूम में गया था बस दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था,
फिर खुद ही खुल गया था या तो इनका पार्क का साइज़ भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तो मैंने एक ही हिस्सा घुमा है, अगर इनके मैं सारे से घूमूंगा तो तकरीबन 2 महीने का ब्लॉग तो मेरा बन जाएगा भाई, ठीक है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है 2 महीने का ब्लॉग बनाने का, काफ़ी मैंने कैप्चर कर लिया है। तो हो सके तो प्लीज़ यू नो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है भाई, का थोड़ा एफर्ट का ख्याल करो, ठीक है। इतनी मेहनत करवा रहे हो, थोड़ा सा यू नो जस्ट डू द राइट थिंग, सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जस्ट डू द राइट थिंग, ठीक है। खूबसूरत जगहों पे लेके आ रहा हूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो ये है। तो यार अब इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आज वाकई में बैटरी डाउन हो गई है यार, आज वाकई में बैटरी ज़बरदस्त डाउन हुई है कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं एक जगह और भी गया था, आज मैंने लाइव वीडियो भी की अपने क्रिकेट ग्राउंड से, तो वहाँ भी काफ़ी लंबी मैंने वॉक शॉक किए मैंने, और उसके बाद सीधा जो है मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है मेरे को, ठीक है। पर एटलीस्ट मैं अपना तो एफर्ट पूरा डाल रहा हूँ, 100% से ऊपर मैं डाल रहा हूँ। बाकी अब आप लोग की मर्ज़ी है, ये वाला व्लॉग भी मैं तैयार करके पोस्ट जल्दी कर दूँगा। सो होपफुली यू डू द राइट थिंग, एन्जॉय दिस व्लॉग। बच्चों के साथ बैठ कर देखो, मेरे सारे व्लॉग ऐसे ही होते हैं कि आप फैमिली के साथ आराम से बैठ कर आप पूरा व्लॉग देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग पसंद आएगा, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन पीस, लव यू ऑल, टेक केयर।